हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये है सीता का घर और यहाँ पर अभी सुबह का टाइम है, इसलिए यहाँ पर सब लोग सो रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। और फिर तभी यहाँ पर शिवम की आँख खुल जाती है और शिवम उठ जाता है। अरे ये क्या, लेकिन शिवम अकेला अकेला कहाँ पर जा रहा है? पापा पापा छी 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 भागो भागो छी छी बाथरूम बाथरूम। और फिर यहाँ पर शिवम छी छी चिल्लाते हुए बाथरूम की तरफ भागने लगता है। डर डर नहीं नहीं मम्मी मम्मी बाथरूम बाथरूम छी छी। यहाँ पर शिवम को बाथरूम जाते हुए डर लग रहा होता है, इसलिए शिवम वापस से सीता को उठाने के लिए चल देता है। मम्मी मम्मी उचो 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 उचो। यहाँ पर शिवम रोते हुए सीता को जगाने लगता है। अरे लेकिन ये क्या, सीता तो बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में सो रही है। छी छी जोरों से छी भागो भागो अकेले 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 भागो भागो। और यहाँ पर शिवम अकेले ही दौड़ने लगता है। बाथरूम 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 छी 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 छी। यहाँ पर शिवम दौड़ते दौड़ते बाथरूम में पहुँच जाता है। अरे ये क्या, लगता है शिवम आखिरकार बाथरूम में पहुँच ही गया। दरवाजा बंद बंद दरवाजा बंद। अरे देखो तो शिवम कितना ज्यादा होशियार बच्चा है, दरवाजा बंद करके बाथरूम के अंदर बैठा है। यहाँ पर शिवम बाथरूम के अंदर चला जाता है और मजे से छींची करने लगता है। और फिर तभी यहाँ पर अचानक से महेश की आँख खुल जाती है। अरे लगता है सुबह हो गया है। अरे नहीं, अभी कहाँ सुबह हुआ है, अभी तो ठीक से नहीं हो पाया है सुबह। अरे लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पेट में बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ रहा है, लगता है मुझे जाना ही पड़ेगा सुबह होने से पहले ही। अरे बाप रे, रात पता नहीं नीलू ने कौन सी वाली सब्जी बनाई थी। अरे मेरे तो बहुत ही ज्यादा पेट में गड़बड़ हो रहा है, लगता है मुझे जाना ही पड़ेगा। अरे जल्दी जल्दी जाता हूँ जल्दी से यहाँ से। और फिर यहाँ से महेश बाथरूम की तरफ जाने लगता है। चलो भाई जल्दी जल्दी जाता हूँ। अरे बाप रे ये क्या हो गया, अरे ये क्या, मैं तो जूते पहनना भी भूल गया, अब वापस से फिर से जाना पड़ेगा। अरे नहीं, मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है हमेशा। चलो चलो भाई जल्दी जाता हूँ। अरे बाप रे बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है पेट में, ये नीलू लोग बिना पता नहीं कैसे कैसे खाने बनाती रहती है। नीलू ने भी ना रात मुझे प्याज की सब्जी खिलाकर पेट में प्याज जैसा ही प्रेशर आ रहा है। अरे अरे ये क्या, बाथरूम का दरवाजा तो लगा हुआ है, लगता है बाथरूम के अंदर कोई है। अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अरे भाई जल्दी कौन है, जल्दी बाहर आओ जल्दी बाहर आओ, मुझे बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। अरे भाई कौन है, जल्दी कोई तो बोलो, कुछ तो बोलो। अरे अंदर कोई चुड़ैल भूत है क्या जो बोल नहीं रहा है, मुझसे डर लग रहा है क्या तुम्हें, जल्दी करो। अरे मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं रुका जा रहा है। अरे बाप रे मैं क्या करूँ, अरे लगता है मुझे यहीं पर हो जाएगा। चलो चलो नीचे बैठ जाता हूँ। बाहर नहीं जाए नहीं जाए, पापा प्रैंक। हुजे हुजे मजाएगा मजाएगा। अभी नहीं शिवम, जोर से छी लगी छी लगी। यहाँ पर शिवम बहाना लगाकर बाथरूम के अंदर ही बैठा रहता है और यहाँ पर महेश की बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। अरे अरे मैं क्या करूँ शिवम बेटा, जल्दी बाहर आ जाओ, अपने पापा के साथ तुम ये क्या कर रहे हो। अरे अरे देखो तुम्हारे पापा से अब रहा नहीं जा रहा। अरे बाप रे क्या करूँ मैं, अरे क्या करूँ मैं। अरे अरे बाप रे, कुछ तो रहम करो शिवम बेटा अपने पापा पर। अरे मैं क्या करूँ, नहीं नहीं लगता है आज मेरा बाथरूम के बाहर ही हो जाएगा, फिर नीलू मुझे छोड़ेगी नहीं। और यहाँ पर शिवम के पापा बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। और फिर तभी यहाँ पर अचानक से शिवम के पापा का प्रेशर बढ़ जाता है और वो जोर जोर से बड़े बड़े ब्लास्ट करने लगते हैं। अरे अरे ये क्या, अरे नहीं, अरे लगता है आज तो मेरा बाथरूम के बाहर ही हो गया है, प्लीज नीलू मुझे माफ कर देना, मुझसे नहीं रहा जा रहा है। और फिर यहाँ पर शिवम के पापा बाथरूम के बाहर ही छींची कर देते हैं। अरे ये क्या, और यहाँ पर शिवम के पापा बाथरूम के बाहर पूरा गंदा कर देते हैं। अरे ये क्या किया आपने शिवम के पापा, आपने तो बच्चों से भी ज्यादा गंदा कर दिया। छी छी, अरे अरे ये क्या, मैंने इतना ज्यादा छींची कब किया। अरे नहीं मैं इतना ज्यादा छींची करता हूँ क्या, सॉरी सॉरी फैंस मुझे माफ कर देना, मैंने आज बाहर ही छींची कर दी, लेकिन अब आप देख रहे हो मेरी क्या हालत होने वाली है, मुझे सोच सोच कर ही बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अब मैं क्या करूँ। चलो चलो जल्दी से साफ करने की कोशिश करता हूँ, अब मुझे डबल डबल मेहनत करनी पड़ेगी, अब जल्दी से जाता हूँ कुएं से पानी लेकर आता हूँ। यहाँ पर शिवम के पापा कुएं से जल्दी जल्दी पानी लेने के लिए चले जाते हैं। ये पापा फ्रैंक फ्रैंक मजा मजा। और फिर तभी यहाँ पर नीलू की आँख भी खुल जाती है और वो जल्दी जल्दी बाहर की तरफ आने लगती है। अरे बाप रे आज इतना ज्यादा शोर कैसे है, चलो जाकर देखती हूँ। अरे नहीं चलो जाती हूँ, सबसे पहले बाथरूम हो आती हूँ। ये बोलकर नीलू बाथरूम की तरफ जाने लगती है। अरे अरे ये क्या, अरे तो महेश जी
छी 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 छी, इनके कपड़ों पर ये क्या लगा हुआ है? अरे नहीं महेश जी, सुनिए, आपने खाट पर ही छींचे कर दी है क्या? कितना ज्यादा गंदा बदबू आ रहा है और आपके कपड़ों पर भी छी लगी हुई है। नहीं, अरे अरे ये क्या है? तो नीलू जी है। अरे नहीं, अरे अरे नीलू जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं सुबह सुबह? आखिर क्या बात है, किसके कपड़ों पर छी लगा हुआ है? मैंने कोई खाट वाट पर छींची नहीं किया है। अच्छा ठीक है। अरे नहीं महेश जी, आपके कपड़ों पर छी लगी हुई है, मुझे बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। कुछ ना कुछ कारनामा आपने जरूर किया है, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, देख लेना। अरे नीलू जी, आपका दिमाग खराब हो गया लगता है, आप अभी नींद में है, जाके सो जाइए। अरे अब मैं क्या करूं, नीलू जी से कैसे बचूं, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। रुकिए महेश जी, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, जरूर आपने कुछ ना कुछ किया होगा। चलो चलो मैं जाकर देखती हूँ, अगर मुझे कुछ भी उल्टा सीधा मिला तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अरे 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 रुक जाइए नीलू जी, रुक जाइए, कहाँ चले जा रही हैं आप? जरूर मुझे लगता है जरूर शिवम के पापा ने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा। अरे 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 ये क्या, अरे मेरा पाँव किस चीज पर पड़ा? अरे नहीं, छी 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 छी, अरे किसने किया था दादा? छी छी, वो भी बाथरूम के बाहर। छी, मेरा पाँव इस पे पड़ गया है। अरे नहीं, अच्छा तो शिवम के पापा ने ये करतूत किया है और मुझसे छुप रहे हैं, तभी मैं बोलूं उनके कपड़ों पर छी छी क्यों लगी हुई है आखिर? अरे बाप रे, देखो तो कितना ज्यादा छी किया है, मुझे बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आ रही है, भागो यहाँ से। रुको, शिवम के पापा को छोड़ूंगी नहीं और उन्हीं से सारी छी छी साफ कराऊंगी। ये आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? बाथरूम के बाहर भी कोई छी छी करता है क्या? बच्चों से भी परे हो गए बिल्कुल। अरे लगता है नीलू जी को सब गलत पता चल गया, बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिख रही है, अब पता नहीं मेरा क्या होगा। शिवम के पापा, आपको मैं छोड़ूंगी नहीं, आपने क्या किया है, क्या किया है? सारे में छींची कर दी है, गंदा कर दिया सब जगह से। अरे मुझे माफ कर देना नीलू जी, अरे मुझे माफ कर दो, शिवम बाथरूम के अंदर था, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। रुकिए, आप कहाँ पर जा रहे हैं? रुकिए रुकिए, रुक जाइए, आप ही सारी चीजें साफ करेंगे, बिल्कुल भी साफ नहीं करने वाली हूँ। अरे हाँ नीलू जी, मैं सारी चीजें साफ कर दूंगा, प्लीज आप बस मुझे बख्श दीजिए। आज तो आप मुझे नहीं बख्शे जाएंगे बिल्कुल भी, देख लेना। प्लीज नीलू जी, मैं माफ कर दीजिए, मैं सारी चीजें साफ कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। रुक जाइए, कहाँ पर जा रहे हैं आप? सारी चीजें साफ करेंगे, सारे कपड़े भी धुलेंगे, और इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, इसमें आप ही के बेटे की गलती, वही बाथरूम के अंदर छुपकर बैठा हुआ था। अरे लेकिन शिवम के पापा, इंतजार की भी थोड़ी बहुत कुछ होती है। अरे मैंने बहुत ज्यादा इंतजार किया लेकिन शिवम निकल ही नहीं रहा था, देखिए ना अभी भी बाथरूम के अंदर ही बैठा हुआ है। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, आप पर ही गया है जिद्दी कहीं का, अब आप जल्दी से सारी चीजें साफ कर दें, नहीं तो मैं आपको आज नहीं छोड़ूंगी, लेकर आ रही हूँ अपना मोटा वाला डंडा, यहीं पर खड़ी रहूंगी जब तक कि आप पूरा चीजें साफ नहीं कर देंगे, मैं यहीं पर खड़ी रहूंगी डंडा लेकर, देख लेना। अरे ये क्या नीलू जी, आज लगता है मुझे खूब मारेंगी। अरे नहीं, मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करानी, जल्दी से चीजें साफ कर देता हूँ। अरे ये क्या नीलू जी, तो यहीं पर डंडा लेकर सच में खड़ी हो गई है। चलो भाई जल्दी से साफ करता हूँ, नहीं तो आज खूब ही ज्यादा पिटेगा लगता है, छी बहुत ही गंदा बदबू आ रहा है। अरे बाप रे, देखो तो कितना ज्यादा छींची कर दिया है आखिर मैंने। वैसे ये सब नीलू जी की ही गलती, उन्होंने रात मुझे प्याज की सब्जी खिलाई थी। अच्छा तो इसमें मेरी ही गलती निकाल रही है आप? चुपचाप साफ कीजिए सारी अच्छे से, ठीक है ना? नहीं तो देखना आज आपके सर का कैसा भरता बनाती हूँ मैं। हुर्रे, मजा आ गया पापा के साथ मजाक मजा आ गया। रुको शिवम, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, देखो तुम्हारी वजह से तुम्हारी मम्मी ने मेरा क्या हाल बना दिया। रुक जाओ, कहाँ पर जा रहे हो तुम? आज मुझसे नहीं बचोगे, रुक जाओ। और यहाँ पर शिवम के पापा शिवम के पीछे दौड़ने लगते हैं। शिवम के पापा रुक जाओ, मेरे बेटे को छोड़ दो, नहीं तो मैं आपके सिर में डंडा मार दूंगी। यहाँ पर नीलू भी शिवम के पापा का पीछा करने लगती है। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।